हेलो दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं हाउ टू सेट यूनिट इन अ ड्राइंग। यूनिट कैसा ड्राइंग में सेट किया जाता है वो आप सीखने वाले हैं। सो आप पहले मैं आपको यूनिट बता दूं। यूनिट क्या है? यूनिट एक मेजरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को एरिया, वॉल्यूम, ब्रेथ, हाइट इटीसी पता निकाल सकते हैं, जिसके कारण आपको काम करने में ईजी हो जाएगा। यूनिट दो किस्म का होता है, एक मेट्रिक यूनिट होता है। मेट्रिक यूनिट में SI और MK सिस्टम यूज होता है, और दूसरा है इम्पेरिकल यूनिट। इम्पेरिकल यूनिट फुल बेसिस ब्रिटिश सिस्टम पर है, जहाँ USA में जो यूज होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो इम्पेरिकल सिस्टम में आपको फीट, यार्ड, इंच में काम करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट कैसे सेट किया जाए। किसी भी वर्ष ऑटोकैड हो में आपको यूनिट सेट करना है तो यूनिट कमांड यूज कर सकते हैं। यूनिट दो किस्म से सेट किया जा सकता है, एक यूनिट कमांड मेथड से और दूसरा है एक कर्सर मूविंग से। कर्सर मूविंग करके कमांड खोजकर आप कर सकते हैं। तो किसी भी वर्सन का ऑटो कैड हो तो उसमें कमांड मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसमें सेम ही काम करता है किसी भी वर्सन में। तो मैं पहले यूनिट कमांड में जाना चाहूँगा। UN लिखिए, UN लिख के इंटर दबाइए। देख सकते हैं UN दबाने के बाद यहाँ आ गया, खुल गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिसमल दिखा रहा है। तो इंजीनियरिंग लाइन में डिसमल में ही काम होता है। अगर हाई प्रिसीजन में काम चाहिए तो आपको डिसमल में यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर्किटेक्चरल है, डिसमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है। पर हाई प्रिसीजन में आपको काम चाहिए तो डिसमल रखना पड़ेगा। ये जनरली मैकेनिकल इंजीनियर भी डिसमल ही यूज करता है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं यूज करता है। और यहाँ पर आपको प्रिसीजन कितना चाहिए, अर्थात 0 के बाद कितना नंबर तक चाहिए। आप 0 के बाद 1, 2, 3, 4 रखेंगे, जितना रखेंगे उतना हाई प्रिसीजन आएगा। तो उसके आधार पर यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके बाद डिसमल में आप यहाँ पर रखना, आप क्या रख सकेंगे, CM रख सकते हैं, MM रख सकते हैं, मीटर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको MM रखना पड़ेगा और MM रख के आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल और अमेरिकन है, तो जनरल यहाँ इंटरनेशनल ही नेपाल और इंडिया में यूज होता है, तो आप इंटरनेशनल रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए आपको उसी के आधार पर रख सकते हैं। तो डिसमल डिग्री रखेंगे तो अच्छा होगा। ये अब आपको फील्ड में कैसा आपको ज़रूरी है, काम अनुसार, सिचुएशन अनुसार इसका यूज होता है। तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा इसका डिटेल। अब फील्ड में यूज होगा तो उसी के आधार पर मैं बता दूंगा इसका। तो सबसे पहले इधर जाइए, इधर आपको मैं सिखाऊँ डिसमल है, देख सकते हैं यहाँ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी इंजीनियरिंग का काम होता है, और यहाँ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में भी काम होता है। तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वैसा ही है, सेम ही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैंने सेट किया, तो इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फीट या इंच दिखा रहा है। इंच के बाद पॉइंट में आ रहा है, 0.00 आ रहा है। पर यहाँ आर्किटेक्चरल यूज कीजिए आप, आर्किटेक्चरल में आप देख पाएंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आप फ्रैक्शन में आ रहा है, देख सकते हैं फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगा क्या आपको, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में रखेंगे तो इसमें फीट और इंच में काम आपको करना पड़ेगा। सो ऐसे आप यूनिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग रख देता हूँ। इंजीनियरिंग रखने के बाद यहाँ पर प्रिसीजन ऐसा रख दिया, 0 पॉइंट के बाद 2 थंब रख दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओके कर दिया, तो ये सेट हो गया। उसके बाद उसी के आधार पर आप नक्शा ड्राइंग, किसी भी चीज़ का ड्राइंग नक्शा बना सकते हैं। और दूसरा मेथड है कर्सर मूविंग करके। कर्सर मूविंग करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं ये दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, ड्रॉ यूनिट। तो ड्रॉ यूनिट में जाइए, ड्रॉ यूनिट पर यहाँ करिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यूनिट दिखा रहा है, इस यूनिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से आप पहले ही वाला ऑप्शन आ गया। तो आप उसके आधार पर सेट कर सकते हैं, आपको किस तरह का चाहिए वो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।